जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। दोस्तों बबलू भाई आज मौजूद हैं हमारे साथ, मेरे पास क्योंकि संडे के अलावा टाइम नहीं होता। तो बबलू भाई कह रहे थे कुछ कबूतर मैं उठा के लाया हूँ किसी के घर से, जोड़ों वाले हैं और कुछ उड़ने वाले हैं, तो टाइम दें। मैंने कहा यार फिर घर आ जाएँ, क्योंकि संडे के अलावा मैं जा नहीं सकता कहीं स्पेशल, काम शाम बहुत ज़्यादा होते हैं, मसरूफियत ज़्यादा है। तो बबलू भाई आ गए हैं घर और कबूतर लेके आए हैं, कबूतर मेरी बैक साइड पे पड़े हुए हैं, तो अभी आपको शो करवाते हैं, ठीक है, कबूतरों का और जो जोड़े हैं जो भी है, डिटेल सारी वीडियो के अंदर ही बता देंगे हम। और जिस दोस्त भाई को अच्छे लगें, समझ में आए, वो दोस्त भाई रब्ता कर लें। तो चलते हैं जी बबलू भाई की तरफ, क्योंकि बबलू भाई को पता डिटेल का कहाँ से लाए हैं, क्या सीन है, क्या पार्ट है, वो बबलू भाई बताएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बबलू भाई क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र करीम भाई। ये ना दे लो डिप्रेसर से थोड़े से पीस हैं, तीन अच्छा, जोड़े हैं। अच्छा, तो छह पीस जो ना उड़ाने वाले हैं, ये उनके घर के अच्छे कबूतर थे, बाकी नहीं उनके पास। वो भाई जो ना बाहर चला गया, उसके साथ मेरा कनेक्ट है, क्योंकि वो पहले भी मुझे ना कबूतर देता देता अच्छा। था, ले भी लेता था, दे भी देता था, तो उसने मुझे बाहर से कॉल किया कि यार भाई घर चला जा, वो 12 पीस पड़े हैं वो ले जा, तीन जोड़े हैं तो छह पीस जो है वो उड़ाने वाले हैं, 12 तगड़े लाजवा पीस हैं, भाइयों को शो करवाते हैं। अच्छा, जिस भाई की समय में आए वो ही रब्ता करे, भाइयों को मज़ा आएगा, उड़ने वाले पीस भी अच्छे हैं, जोड़े भी अच्छे हैं। ठीक हो गया। कौन कौन सी नस्ल, कौन कौन सी है? सियालकोटी जोड़ा है। अच्छा, सबसे पहले उसका शो कराते हैं, कबूतर सियालकोटी है हमारी, इसके साथ 35 वाली जी। ये अभी लेके आए हैं काटन में, मैंने कहा यार गर्मी ज़्यादा है आज, तो काटन में से निकाल के ऊपर छोड़े हैं कबूतर, थोड़ा सांस दिया कबूतरों को, क्योंकि कबूतर ज़्यादा थे, काटन छोटा था, तो मैंने कहा एवं कि नुकसान ही ना हो जाए। तो ये जी सियालकोटी कबूतर है, ये नारा है बबलू भाई? ये नारा नहीं जी, ये नारा दोस्तों, और देखने में तगड़ा ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा, वो दोस्त जो है आपको बाहर चला गया? हाँ वो बाहर चला गया, तो ये घर से पीछे घर वाले डाल डूल रहे थे, दाना दूना डाल रहे थे, ये देखे ना ये गंदे हुए हुए हैं, बारिश काफी दिनों से रोज बारिश होती है, ऐसे ही बाहर वो फ्रेम में ही थे, दाना कभी डाल दिया कभी नहीं, पर जब ये नहाएंगे ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। सही, ये तो वो जब मैं लेने गया हूँ तो छत पे गया तो करीम भाई आपकी सोच नहीं होगी जो हालत है इन जानवरों का। अच्छा, बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि बारिश रोज होती है, देखने वाले कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं जो दाना पानी डाल के चले जाते हैं, डोरियां गंदी, बुरा हाल, बस दुख वाली बात है कि इतने अच्छे जानवर थे तो जलील हुए थे। फिर उस भाई से रब्ता और उनका यार जाके घर में लिया, तकरीबन ये 15 से 16 जानवर थे, बाकी जो है ना 3-4 जानवर वो मर गए थे, ये बारिश भूख प्यास की वजह से, ये 12 पीस ही थे। दाना बच्चों ने क्या दाना डालना, क्या दाना डालना समझ होगी बच्चों को, तो ये वो कह रहा था कि अलग अलग फ्रेमों में ये देख गए, 3 जोड़े थे, 6 पीस उड़ाने वाले थे, बाकी जो 3-4 पीस हैं वो मरे हुए थे, इतनी ज्यादा बुरी हालत थी, दुआएं लेने वाला साहब, बस ऐसा ही है। तो ले जी दोस्तों ये शौक करें, किसी के घर से सेटअप उठाया है इन्होंने पूरा, ये दोस्तों नर की आँख का शौक करें, सियालकोटी कबूतर है और इसके साथ सियालकोटी माती लगी हुई 35 वाली। अच्छा पर्पल है, बहुत तगड़े लाजवाब करीम भाई कबूतर है, जैसे जैसे देखना हाथ में खड़े ही नहीं हो रहे, क्योंकि इसको को पकड़ता ही नहीं इनको है, ये देखें ये इनकी टेल देखें, मादी का भी शौक कराते हैं, ये बीच में मेरे सिरप शिरप पड़े हुए हैं यहाँ पर, मैंने फटाफट कबूतर निकालने की किया, ये देखें जी सामने कबूतर खड़ा हुआ है सियालकोटी, ठीक है जी, ये देखें
ये जोड़ों वाले हैं सारे, और ऊपर जो उनसे हैं ना वो दूसरे छोड़े हैं प्रवासी। ये दोस्तों मादी है सियालकोटी के साथ, ये भी दूसरे धागे की बैठी है, एंड वाली करनी है ना जो निकल रही है अभी। सही सही सही, ये भी नहीं रुक रही है हाथ में, हाथ में तो खड़े ही नहीं ना हो रहे। ये एंड वाला ना निकाल रही है ये भी दूसरे धागे की बैठी है। सही हो गया, सही। ये जी 35 वाली माती है, और ये प्योर 35 वाली माती है, चेक करें बिल्कुल, जो पूरी सर पे टोपी जो उनसी होती है ना, ये माशाल्लाह क्या बात है, अच्छी माती माशाल्लाह। ये आ गया जी सियालकोटी जोड़ा, लाएं बबलू भाई दूसरा। ये भाई देखें, कांटों वाला कसूरी कबूतर है, लेवल का कबूतर है, ये देखें शो करें माशाल्लाह। बड़ा कुंदा है इसका भी। करीम भाई आपको बोला ये 3 जोड़े हैं, वो 6 पीस उड़ाने वाले हैं, कमाल का सेट होता है भाई का, बाकी कबूतरों का नहीं पता, कुछ मर गए हैं या कुछ बच्चों ने उड़ा दिए हैं, पर ये जो हैं ये लेवल की चीज़ है, सारे उठा के ले हैं। ये देखें पल्ला, ये टेल देखें जी, जी टेल बैलेंस है दोस्तों। खुशक पंजी है जामनी, ये क्या बात है, ये कबूतर भी अच्छा। ये दोस्तों कांटो वाला मेल है सूरी, ये मार दी है इसके कबूतर के साथ, ये बंदा ये भी इसमें जब बार जाड़ जाड़ के नहीं आ रहे हैं। जैसे आई नहीं, पूरी बोतल है, ये देखिए अच्छा सेटअप है। दोस्तों आजाने हो जाए जरा, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बबलू भाई, ये नारका शो करें, क्या बात है, रिंग चेक करे ग्रीन भैया का, ये देखे तगड़े जोड़े हैं तगड़े, फीमेल का भी शो कभी कराते हैं, ये देखे ना हाथ में खड़े ही नहीं हो रहे, वो सारी बात है, उनको पकड़ा ही कभी किसी ने, किसी ने नहीं है माशाल्लाह।
पूरा कलरफुल कबूतर, ये देखिए अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। ये भी तगड़ा कबूतर है माशाल्लाह। लें जी दोस्तों शौक करें, बुरा ही बड़ा मना रहा है। घर में बच्चे ने डाने डालना बस, ना किसी ने इनको छेड़ना ना पकड़ना ना लेनी ना देनी। इसी वजह से सारे कबूतर एक जैसे ही होते हैं ना, निकलने की करते हैं बस। जी जी चलो भाई आ जाना मुंडा, एक मिनट जी। बबलू भाई ये मादी है, ये मादी है। करीम भाई मादी की आंख का शौक करें, संदूरी पलकों में है। बस ना बारिश से थोड़ी सी गंदी हुई है, बहरहाल पूरी क्वालिटियों वाली मादी है। ये देखें ये ना थोड़े से गंदे हुए हुए हैं, क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं था उधर। बहरहाल पूरे दिनों के कबूतर हैं सारे। ये देखिए ये टेल चेक है, जबरदस्त है। अच्छा मादी भी पूरी है दिनों की, लेकिन थोड़ी सी वो मैली है। ले जी ये जोड़ा नंबर 3, ये जी जोड़ा नंबर 3। लें दोस्तों ये तीन जोड़ों का शो करवा दिया आपको, एक जोड़ा ऊपर छोड़ा है, अभी दो जोड़े ये हैं। अब आपको जो उनसे ना प्रवासी कबूतर जो उनसे है ना वो आपको शो करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट ही मज़ा आएगा प्रवासी कबूतरों को। ये देखें उड़े उड़ाए कबूतर हैं शाम तक। ये देखें ये देखें ना करीम भाई, बड़े मज़े के कबूतर हैं। तकरीबन 1.5-2 माह हुए हैं उस भाई को भी बाहर गए हुए, ये उनके हाथ के उड़े उड़ाए कबूतर हैं, अच्छे कबूतर हैं। वो भी कॉल पे कह रहा था कि बबलू भाई दिल तो नहीं कर रहा, बहरहाल आप ले जाएं आगे, इनमें से कितने कबूतर जो ज़ाया हो चुके हैं, चलो आप ले जाएं किसी भाई का ना शौक बन जाएगा। आराम हो जा रहे हैं जी, किसी के काम आ जाए। क्यों कह रहा यार अभी 2 माह हुए हैं पीछे से ना बच्चे दाना पानी डालते हैं तो कबूतर जो है ना जलील हो गए। ये देख कबूतर खुद बता रही थी कि ना हाथों लगाने नहीं ना दे। ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा कड़ियाँ चढ़ियाँ इनको भी डली हुई हैं। जी जी सबको ही कड़ियाँ डली हुई हैं तकरीबन। शौक उसने पूरे रखा हुआ था। जी जी अच्छा शौक रखा हुआ था करीम भाई, मैंने आपको बताया बस बाहर चला गया, 2 माह हुए हैं तो उसने कहा यार जा जितने गर्मी है जाके तो ले जा। बड़ा कुंदा है इसका भी यार, बहुत बड़ा कुंदा है, बगल बहुत बड़ी है। अच्छा ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। छोड़ें जी जरा इसको बीच में, ये तीसरा, ये तीसरा। अच्छा 6 जोड़ों वाले और 6 प्रवासी हैं, 3 जोड़े हैं, 6 प्रवासी, 6 पीस वो जो जोड़ो। वैसे इसमें नर मादी कितने हैं? इनमें 2 मादी हैं 4 नर हैं। अच्छा 2 मादी हैं 4 नर, 4 नर ठीक हो गया। ये भी पट्टा है? ये भी पट्टा है, गोल्डन पट्टा। अच्छा पट्टा है यार, एक से एक बढ़ के कबूतर है करीम भाई माशाल्लाह। ये तीसरा कबूतर है जो भी 3 पीछे है, वो भी 1 क्लास नर है, 2 मादी है तो 1 नर है। ये तीसरे कबूतर का शौक करा रहे हैं, मज़े के होंगे सारे। ये
ये देखिए जबरदस्त, ये तो जोड़ों में भी डलता है ये। हाँ, उड़ाने वालों में ये चाहे जोड़े लगा लें और चाहे, क्योंकि जैसे लेके आए वैसे ही भाइयों को देंगे। वो तीन जोड़े लेके ये छह पीस उड़ाने वाले लेके ये उड़ाने वालों में देंगे। अब दो मादियाँ एक नारा मेरे ख्याल से। जी जी हाँ, ये काला जीरा, ये नारा और दो मादी। काला जीरा कबूतर। जी जी ये ठीक है। दो मादियाँ रह गई अभी, दो मादियाँ रह गई। मादी इसमें एक और बड़ी रंगीन सी है, एक ही है, एक ही है। वो जो दूसरी मादी वो भी बड़ी कलरफुल सी लग रही है मुझे, कलसरी। लें दोस्तों शो करें। अच्छा, ये भी अगर जोड़े बना के दें तो जोड़े तो ये भी चल जाएंगे भाई। यार मेर वाली माती है यार ये। जी जी, ये जोड़ों में बहरहाल नहीं, जो उड़ाने वाले छह पीस लें वो उड़ाने वालों में देंगे, वो तीन जोड़े लेके आए वो जोड़ों में देंगे। क्या बात है, कुंदा चेक करो ये देखे, लाजवाब कुंदा माशाल्लाह। चलो ये तो आपकी ईमानदारी है कि आप। जी जी, जो उड़ाने वाले वो उड़ाने वालों में जाएंगे, जोड़ों वाले वो जोड़ों वाले में जाएंगे। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया यार। एक मादी रह गई मैं जी, ये लास्ट मादी है दोस्तों, ये आखिरी मादी है। दूसरी आंख दिखाना है इसकी, ये आँख थोड़ी सी ना मुझे लग रहा है जैसे स्वेलिंग हुई हुई है हल्की सी इसको। माशाल्लाह क्या बात है, यही बबलू भैया आपकी ईमानदारी है, ये मुझे अच्छी लगी आपकी चीज़। जी जी, कि जो आप लेके आए परवाजियों में लेके आते हैं, हालांकि एक बार मंडी में मैंने आपकी वीडियो बनाई है। जी जी, तो उसमें भी प्रवासी कबूतरों में दोस्तों मैं बताता चलूँ, इनको मैंने कहा यार ये आपके जो प्रवासी कबूतर हैं ना, इनमें काफ़ी कबूतर ऐसे हैं जो जोड़ों वाले हैं, क्योंकि फड़त में बड़ा बड़ा शानदार बड़ा बड़ा लेवल का कबूतर आता है, क्योंकि अक्सर औकात जोड़ों में से कबूतर निकल जाते हैं लोगों के। मेरे यहाँ से एक बार मग खुला रह गया था, पता नहीं कितने कबूतर निकल गए थे, वो जाहिर बात है किसी ने किसी ने पकड़े ही होंगे ना वो। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि वो फड़त में आ गए तो वो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी बबलू भाई की, कि जो ये कबूतर जितने का लेके आते हैं ना, उतने का ही बताते हैं कि यार ये प्रवासी कबूतर है, ये मैं इतने का लाई हूँ, ये मैंने प्रवासियों में ही देना है। ये नहीं कि उसमें से छांटी मार के निकाल ली, मलाई लादा कर ली और कचरा जो सा वो एक बंदे को मंड दिया और अच्छे कबूतर एक बंदे को। ये मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी आपकी, ये बात बहुत अच्छी है। जी, जो तारीफ है वो मुँह पर करनी चाहिए बंदे। छः पीस उड़ाने वालों का शो करवाया, माशाल्लाह तगड़े लाजवाब पीस है। मैं ये भी जोड़ा जोड़ा करके सेल कर सकता हूँ। मैं आपको वही कह रहा हूँ, दस्ती जाने, क्योंकि ये बहरहाल मैंने ये उड़ाने वाले के रेट में लेके आऊँ, ये उड़ाने वाले में देने हैं, वो जो तीन जोड़े ले गया वो जोड़ों में देने हैं। बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी बात। वो भाइयों का अब ये देखे ना कितनी कलरफुल मादी है ये, और इसकी आँख ने भी मजा कराया। इसकी एक आँख एक जो पलक है ना हल्की सी स्वेल हुई भी है, इसको अभी मैं ड्रॉप डाल दूंगा। ये देखें, ये इसकी पलक स्वेल हुई हुई है और इसकी जो आंख ने चस्क कराई है, ये वाली आंख ने, वो मैंने आप दोस्तों को दिखा दी है। ये देखें अब दोनों में फ़र्क देखें, ये देखें ये सूजी भी है, ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी आंख है। लें एक बार और शो करें, ये देखें। हालांकि ये मादी भी जोड़ों में जाती है, क्योंकि इसका पल्ला दिखाएं, इसका पल्ला दिखाएं, ये देखें सलारी मादी है। और मैंने पिंजरे में देख के कहा कि यार ये मादी मुझे अच्छी लग रही है, जोड़ों में नहीं लग रही है, लेकिन
ये बात अच्छी है इनकी कि जो जिस रेट लेके आते हैं उसी वो कहते हैं उसी में देना ये है। भाइयों की अपनी मर्जी है, चाहे इनको उड़ाएं चाहे वो जोड़े लगाएं। हाँ, अपनी समझ से जिसको जो समझ आता है वो कर ले। भाइयों को अपनी मर्जी है, चाहे जोड़े लगाएं चाहे उड़ाएं, पर रिजल्ट अच्छा है। वो जोड़े हैं तीन और ये छह पीस उड़ाने वाले। ये दिखाएं जरा मुझे। ले दोस्तों, ये माटी का भी शौक करें जी। माशाल्लाह यार, बहुत आला। छोड़ के भी आपको शौक करवाते हैं, जरा इसको सेपरेट छोड़ते हैं। लें दोस्तों, ये शौक करें जी माटी का। अब देखें, इसको कड़ी भी जोड़ों वाली डली हुई है, लेकिन ये अच्छी बात है, ईमानदारी वाली बात है कि ये बबलू भाई की आदत मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो कहते हैं कि जी जो जोड़ों में आया हुआ जोड़ों में देना है, जो प्रवासी में आया हुआ वो प्रवासी रेट में देना है। इनके पीछे से वो ज़ाहिर बात है, पता नहीं इनका क्या हिसाब था, कितने का लेके आते हैं मुझे नहीं पता। तो ये माशाल्लाह अच्छी बात है, माशाल्लाह। तो ये थी जी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।